लाल कृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन आज। आडवाणी को बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बधाई देने पहुंचे। आडवाणी जी के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना पीएम मोदी ने की। लाल कृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन आज। आडवाणी को बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बधाई देने पहुंचे। आडवाणी जी के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना पीएम मोदी ने की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन आज। आडवाणी को बधाई देने पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बधाई देने पहुंचे। राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौके पर मौजूद, बधाई देने के लिए उनके आवास पर उनसे मुलाकात की। लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन, पीएम नरेंद्र मोदी बधाई देने पहुंचे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे। दीपावली के तीन दिन बाद हवा में नहीं हुआ सुधार, लखनऊ का AQI आज भी 400 के पार। प्रदूषण अधिक होने से सांस लेने में परेशानी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वायु प्रदूषण के चलते लखनऊ में छाई धुंध। दिवाली के तीन दिन बाद हवा में नहीं हुआ सुधार, लखनऊ का AQI आज भी 400 के पार। प्रदूषण अधिक होने से सांस लेने में परेशानी, वायु प्रदूषण के चलते लखनऊ में छाई धुंध। दिवाली के तीन दिन बाद हवा में नहीं हुआ सुधार, लखनऊ का AQI आज भी 400 के पार। यूपी दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12 और 13 नवंबर को यूपी आएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में बैठक करेंगे अमित शाह। यूपी बीजेपी के सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे शाह। 13 नवंबर को आजमगढ़ में जनसभा भी करेंगे शाह। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12 और 13 नवंबर को यूपी आएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में बैठक भी करेंगे अमित शाह। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन, जिस तरह से सभी बड़े नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं और अब अमित शाह भी आ रहे हैं, तो किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी यूपी में? प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में अब बीजेपी अपनी पूरी जो तैयारी है वो करने में लग चुकी है, चाहे वो दूसरे दलों को आपस में जोड़ना या फिर पुराने नेताओं को बनाना, और इसके अलावा जो सेंट्रल के प्रमुख नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश ला करके उनकी जनसभाएं या फिर कार्यकर्ताओं से उनका सम्मेलन करवाना। ये सारा जो सिलसिला है बीजेपी का ये लगभग शुरू हो गया है। और उसी कड़ी में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो 13 और 12 तारीख को, यानी 12 नवंबर और 13 नवंबर को यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं और इसके अलावा आज पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा 13 नवंबर को अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी एक जनसभा करने वाले हैं अमित शाह। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है ये लगभग तय हो चुका है और बताया जा रहा है कि अमित शाह कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के साथ जो जनता है उसके अंदर जो जीत का मंत्र है और बीजेपी की योजनाएं हैं उसके बारे में बताते हुए नजर आएंगे। और जो अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र है जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं और आजमगढ़ वो जिला कहा जाता है, तो उस जिले में भी जो कार्यकर्ता है और जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उनको समझाने का प्रयास, उनको योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास जो है वो गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो 12 और 13 नवंबर को यूपी आएंगे अमित शाह, विधानसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में बैठक करेंगे। अयोध्या कैंट पहुंची रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे अधिकारी कर रहे श्रद्धालुओं का स्वागत। फूलों से हुआ श्रद्धालुओं का स्वागत। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, कैंट से रवाना होकर बस से अयोध्या धाम जाएंगे श्रद्धालु। अयोध्या कैंट पहुंची रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे अधिकारी कर रहे श्रद्धालुओं का स्वागत। फूलों से हुआ श्रद्धालुओं का स्वागत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैंट से रवाना होकर बस से अयोध्या धाम जाएंगे श्रद्धालु।
अयोध्या कैंट पहुंची रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे अधिकारी कर रहे श्रद्धालुओं का स्वागत। श्रद्धालु करेंगे रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन, फूलों से हुआ श्रद्धालुओं का स्वागत। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, कैंट से रवाना होकर बस से अयोध्या धाम जाएंगे श्रद्धालु। अयोध्या कैंट पहुंची ट्रेन, रेलवे अधिकारी कर रहे श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत। आईपीएस राजेश पांडे नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर यूपीडा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सिक्योरिटी पैनल बना रही है सरकार। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी पैनल बना रही है सरकार, हादसे घटनाओं में पुलिस मदद को मुहैया कराया जाएगा। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर बनाए गए, यूपीडा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनाए गए ऑफिसर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी पैनल बना रही सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी पैनल का हादसे घटनाओं में पुलिस मदद को मुहैया कराया जाएगा। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ का त्योहार, महिलाओं ने बेदिया बनाकर छठ की शुरुआत की। कल से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाएगा। 10-11 नवंबर को लक्ष्मण मेला मैदान में कार्यक्रम, लखनऊ से बड़ी खबर। कल कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मण मेला मैदान में, कल भोजपुरी कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ का त्योहार, महिलाओं ने बेदिया बनाकर छठ की शुरुआत की। कल से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाएगा। 10-11 नवंबर को लक्ष्मण मेला मैदान में कार्यक्रम, कल कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मण मेला मैदान से होगी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रयागराज दौरा। ईवीवी के दीक्षांत समारोह में शामिल, केपी कॉलेज में भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रयागराज दौरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल, केपी कॉलेज में भी कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रयागराज दौरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। खबर में मेरे साथ संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? विद्यालय पहुंचे हुए हैं और वहां पर एक दीक्षांत समारोह है। 10 बजे का ही समय था और धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। वहां पर जो केपी कॉलेज है वहां पर भी उनका एक कार्यक्रम है और उसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होना है, जहां पर वो जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करेंगे। विश्वविद्यालय के जिन छात्रों ने बेहतर शिक्षा वहां पर ली है और बेहतर रिजल्ट दिया है, उन छात्रों को सम्मानित करने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि इलाहाबाद में होना है। और उसके अलावा एक केपी कॉलेज है इलाहाबाद का, वहां पर भी वो जाएंगे, वहां पर भी जो छात्र हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और बताया जा रहा है कि वहां का भी जो कार्यक्रम है वो दीक्षांत समारोह से मिलता जुलता ही है और वहां पर भी छात्रों से मुलाकात करके उनकी जो हौसला अफजाई है वो करते हुए नजर आएंगे धर्मेंद्र प्रधान। इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो क्या युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है? समारोह की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो होनहार छात्र होते हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया होता है अपने एजुकेशन करियर में, उनको सम्मानित किया जाता है और कहीं ना कहीं वो छात्र ये आगे चल के एक बड़े पैमाने पर वोटर्स भी बनते हैं। दूसरी चीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं राजनीति का गढ़ भी माना जाता रहा है, क्योंकि कई सारे युवा छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकलते हुए आए हैं और जो छात्र राजनीति है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कई सारे नेताओं के द्वारा की गई है और कई सारे ऐसे प्रमुख नेता हैं उत्तर प्रदेश के या फिर देश के जो पहले छात्र नेता रहे, तो वो जानते हैं कि इसकी अहमियत कितनी है और अगर इन छात्रों को साधा जाए, इन छात्रों को समझाया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूत वोट बैंक भी होगा और दूसरी चीज उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख नेता भी होंगे जो हमारे साथ जुड़ करके पार्टी को मजबूत भी करेंगे। और इसके अलावा जो छात्र हैं जो बेहतर शिक्षा जिन्होंने करी है, जिन्होंने बेहतर रिजल्ट पाया है उनको सम्मानित करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम होगा बीजेपी का। तो ये सारा जो गुणा गणित है ये बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया गया है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। महिला का धारदार हथियार से रेता गया गला, गंभीर हालत में परिजन लेकर पहुंचे ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर में महिला की हालत बनी हुई है नाजुक। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बंथड़ा थाना क्षेत्र के गुदौली गांव में हुई वारदात। महिला का धारदार हथियार से रेता गया गला, गंभीर हालत में परिजन लेकर पहुंचे ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर में महिला की हालत बनी हुई है गंभीर। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, बंथड़ा थाना क्षेत्र के गुदौली गांव में हुई वारदात। महिला का धारदार हथियार से रेता गया गला, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गंभीर हालत में परिजन लेके पहुंचे ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर में महिला की हालत बनी हुई है नाजुक। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर धमकी। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट से दी गई धमकी। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर धमकी। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट से दी गई धमकी। एक महीने से लापता युवक का कुएं में मिला शव। गांव के कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप। एक माह से गायब युवक के शव के कंकाल हुए बरामद। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई। हमीरपुर से ये खबर आ रही है, हत्या कर शव कुएं में फेंक कर डलवाई गई मिट्टी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, मामले की जांच में जुट चुकी है पुलिस। हमीरपुर से ये बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक महीने से लापता युवक का कुएं में मिला शव। गांव के कुएं में शव मिलने से मचा इलाके में हड़कंप। एक महीने से गायब युवक के शव के कंकाल हुए कुएं से बरामद। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। ब्रिजेश, जिस तरह से ये कंकाल बरामद हुआ है, क्या कहेंगे, एक महीने तक पुलिस जांच में जुटी रही थी या फिर कुछ अता पता नहीं चला? ये आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला तकरीबन एक माह पुराना है। एक माह पहले युवक के परिजनों ने जो है जलालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। जैसे ही आज इसकी भनक लगी तो गांव के ही कुएं में शव मिलने की जानकारी मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसके युवक के कंकाल बरामद किए हैं। जी ब्रिजेश, परिजनों ने किसी पे इल्जाम लगाया है, हत्या का आरोप लगाया है? पुलिस ने मृतक के युवक की पत्नी और उसके सारे को इस मामले में बातचीत कर रही है। जी, जल्द ही पुलिस का दावा है कि इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश ओझा इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए थे। सीएम योगी का रामपुर, शामली और लखनऊ दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे रामपुर। सीएम योगी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। 64 करोड़ की लागत से परियोजना का लोकार्पण होगा। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटेंगे सीएम। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। सीएम योगी का रामपुर, शामली और लखनऊ दौरा आज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे रामपुर। सीएम योगी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। 64 करोड़ की लागत से परियोजना का लोकार्पण होगा। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटेंगे चेक। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का रामपुर, शामली दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे रामपुर। सीएम योगी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। 64 करोड़ की लागत से परियोजनाओं का
लोकार्पण होगा। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटेंगे चेक। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम, जनता को भी करेंगे संबोधित। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रामपुर से संवाददाता तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार, सीएम योगी के क्या कुछ कार्यक्रम है आज रामपुर में? जी देखिए, मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा, आज रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम लगा हुआ है। आज वो यहाँ दौरे पर हैं और आज वो यहाँ पर आकर रामपुर की जनता को सौगात जरूर देके जाएंगे जी। और यहाँ पर इसके साथ ही कम से कम 65 करोड़ रुपए का यहाँ पर वो शिलान्यास आज यहाँ से करके जाएंगे जी। तुषार, कहाँ पे कार्यक्रम है सीएम योगी का रामपुर में? जी, आज यहाँ रामपुर में गांधी स्टेडियम में यहाँ के प्रोग्राम में सीएम योगी 2:30 बजे रामपुर में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद उनका जो हेलीपैड है वो यहाँ रामपुर में पुलिस लाइन पर बनाया गया है, वो यहाँ पर आके उतरेंगे। उसके बाद उनका काफिला सीधा स्टेडियम की ओर जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पर आके दर्शकों को संबोधित करेंगे जी। जी, और वहाँ से रवाना कब होंगे? जी, उसके बाद यहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद सीएम योगी रवाना होंगे यहाँ से जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता तुषार जुड़े थे रामपुर से। अपराधियों के हौसले बुलंद, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक की पिटाई की गई, नंबर से सवारी न भरने पर की गई पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। पीड़ित युवक को कोतवाली में दी तहरीर। अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक की पिटाई की गई, नंबर से सवारी ना भरने पर की गई पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप।